हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए सीरियस है? जी हाँ, जिस पर्सन को आप इतना प्यार करते हो, लव करते हो, जिसके लिए आप सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हो, तो क्या वो इस रिश्ते के लिए सीरियस है? ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड, ही शी सेम जेंडर, सभी के लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और प्यारी सी एडवाइस मिलेगी, जो है आपके लिए बेहद ही रिश्ते में ज़रूरी। तो देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। जैसा कि ये रीडिंग जनरल होती है, किसी के साथ कुछ मैच करता है, किसी के साथ कुछ, और कई बार तो सारी भी मैच कर जाती है। तो इसलिए कार्ड जो है एनर्जी बताते हैं, जो एडवाइस दी जाती है उसको फॉलो, अगर हो सके तो फॉलो कीजिए, ताकि कार्ड अच्छी अच्छी एनर्जी निकालें और आपके बिगड़े हुए काम बने। तो देखते हैं फर्स्ट कार्ड कौन सा है। 10 ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। द फूल। फोर ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स। जस्टिस। फोर ऑफ सोर्ड्स। एम्प्रेस। लास्ट का कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस, बॉटम में क्या है? बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। ये बॉटम है। तो चलिए देखते हैं क्या वो इस रिश्ते के लिए सीरियस है। जी हाँ, तो गाइस, क्वीन ऑफ कप है आपके लिए बॉटम। तो चलिए देखते हैं क्या वो इस रिश्ते में सीरियस है। गाइस, अगर साइन की बात करें तो यहाँ सभी साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। सबसे कम जो है वो है अर्थ साइन। अगर यहाँ नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स यहाँ गाइस, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है और नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो गाइस, ना नंबर 4 रिपीटेड नंबर है और नंबर, जी हाँ, नंबर 4 ही रिपीटेड नंबर है, जो 3 बार रिपीट हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है ये आपके रिश्ते में काफ़ी मायने रखता हो। ये ऐसा नंबर हो
जिस दिन आपके पर्सन जो है, ये सारे नंबर हैं और नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इस दिन आपके पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो या आपके और इनका किसी एक का बर्थडे हो, तो देखते हैं क्या वो रिश्ते के लिए सीरियस है। गाइज अगर देखा जाए तो बॉटम में आपकी एनर्जी निकल के आई है, जिसमें ये देखा गया है कि आपने कुछ भी हो जाए लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो कि जस्टिस का कार्ड आने के बाद ये लगता है कि रिश्ते में काफ़ी, अगर आप इस टाइम पर्सन के साथ हो तो भी काफ़ी परेशानियां चल रही हैं, अगर पास्ट में थे तब भी रिश्ते में काफ़ी उलझने हैं। आपके पर्सन ने आपको रिश्ते में कभी सीरियस नहीं लिया, एक कैजुअल, आप अपने रिश्ते में सीरियस थे, वो एक कैजुअल रिलेशन के साथ थे आपके साथ, बस सामने आपके चाहे कुछ भी कहें, अंदर से उनका जो व्यवहार था ऐसा ही था, क्योंकि फूल का कार्ड बताता है इमैच्योरिटी, चीज़ों के लिए सीरियस ना होना और अपनी लाइफ को अच्छे से बिताना, खुश रहना, अपने आप से प्यार करना, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए रिश्ते में पास में आपको काफ़ी कुछ सहना पड़ा है, काफ़ी धोखा सहा है आपने। आपके पर्सन जो है इस टाइम आपके साथ हो सकता है ना के बराबर हो या बिल्कुल भी ना हो, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपका रिश्ता खराब करने का, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे बाहरी यार दोस्त या कोई ऑफिस के मेंबर हो, काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है आपका रिश्ता खराब होने में। जिन सब चीज़ों के साथ आपने जो ब्रेकअप फेस कर रहे हो, आपके पर्सन जो ब्रेकअप फेस कर रहे हैं, फैमिली लोग, इन लोगों ने अलग कर दिया लेकिन आपको अभी भी बहुत मिस करते हैं, उनका ध्यान जो है सिर्फ आपकी तरफ है। आपके पर्सन जो है, हो सकता है आपका एज का गैप काफ़ी हो, काफ़ी एज गैप हो, आप छोटे हों वो बड़े हों या वो छोटे हों आप बड़े हों, काफ़ी इस टाइम उदास है आपके बगैर, मैनिफेस्ट करते हैं और रिश्ते में आपको न्याय देना चाहते हैं और आगे ये भी चाहते हैं कि चीज़ें अब मच्योरली से हैंडल इन्होंने करनी है, अब पागलपन से या बावलेपन से आपको अपने से अलग नहीं करना, क्योंकि इन्होंने भी आपसे दूरियां पाके देख लिया है कि कुछ फ़ायदा नहीं है, खाली आंसू ही आंसू है, फैमिली इनको ज़्यादा प्यारी है, आप भी प्यारे हैं, लेकिन उस टाइम इन्होंने थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली की सुनी, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ऐसे हैं, भले ही आपके साथ रिलेशन में थे, बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन अब इतने सीरियस नहीं है, ना पहले सीरियस थे ना अब सीरियस है। ये इंसान बहुत स्ट्रेस लेता है, हो सकता है इसके फाइनेंस में भी दिखते हो, लेकिन ये रिश्ते और फाइनेंस को लेके दिल दिमाग से बंधा पड़ा है, स्ट्रेस लेता है, लेकिन डिवाइन चाहता है आपको न्याय मिले, क्योंकि इस पर्सन को अपने किए का पछतावा है और डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है आपका, जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो कहीं भी चले जाओ घूम फिर के आपने वहीं आना है, तो ये कार्ड ये बताता है डिवाइन ने आपको एक दूसरे के लिए बनाया है, आप कहीं भी चले जाओ आपने घूम फिर के यहीं आना है। और आने वाला टाइम इस कार्ड को ये भी बताता है, अगर आपके पर्सन आपके बचपन के दोस्त थे, कॉलेज और दफ्तर के दोस्त थे या काफ़ी टाइम हो गया है, किसी ओकेजन पे मौका ढूंढ रहे हैं आपके पास आने का, आपको गिफ्ट देकर खुश करने का और रीयूनियन करने का, रीयूनियन के रूप में ये बहुत पावरफुल कार्ड है, जब भी ये आता है करीब करीब सबका रीयूनियन किसी ना किसी ओकेजन पे हो ही जाता है, जहाँ काफ़ी समय से आप नहीं मिले तो वो किसी ओकेजन पे आपको मिलते हुए ज़रूर दिखेंगे। तो ये आपके पर्सन की जो रिश्ते की बात करूं तो ये पास्ट में सीरियस नहीं थे लेकिन अब आपको लेकर
काफी सीरियस है क्योंकि अपने आप को बदलना चाहते हैं, मैच्योरली चीजें हैंडल करना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हो। तो आज हमें एक्शन का कार्ड तो मिला नहीं गाइस, आज हम देखेंगे कि एक्शन का कार्ड ये पर्सन जो है एक्शन लेंगे। तो गाइस ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, लेकिन एक वक्त आने पर जो आपके कर्मा का लिखा जोखा है, शायद आप वही समय का सब लोग फेस कर रहे हो, और ये टाइम लगेगा। और जब ये आएंगे बड़े पावरफुल होकर और एक अच्छे बिहेवियर के साथ, एक अच्छी नई चीज़ों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ आएंगे। कितना समय लगेगा? 10 वीक, 10 मंथ लग सकता है, या 10 डे में भी हो सकता है। अब आपके लिए क्या एडवाइस है देखते हैं। आपका एडवाइस कार्ड निकला है ये कि आपको दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो आपने सारी बातें खोलकर फिर आगे बढ़ना है। और अब कल अगर कहें कि आप स्टक हो, आप इस रिश्ते के बारे में सोचते बहुत हो, ध्यान बहुत आपका इसमें रहता है, थोड़ा सा इस नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपने आप से प्यार करिए, और ये देखिए आपकी जो एनर्जी आई है ऐसी। तो क्या ये एनर्जी बदल नहीं सकती? तो आपको इस एनर्जी से निकल के एक अच्छी चीज़ों से आना है, अपने आप प्यार करना है अपने आप से। हमेशा एक चीज़ का सोचने से चीज़ पास में नहीं आ जाती और रिश्ते जो है ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक, शेयर, कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।